वेलकम टू न्यूज़ बाबा यूट्यूब चैनल। जहाँ हम बात करने वाले यूपी पुलिस 49,568 भर्ती के बारे में। जहाँ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। और जी हाँ दोस्तों, सभी कैंडिडेट के यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग रहे हैं। जिन कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं आया वो भी देख ले अपना एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। जहाँ दोस्तों बात करें यहाँ पे यूपी पुलिस 49,568 भर्ती के बारे में। जहाँ दोस्तों एडमिट कार्ड पैट के यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो आपका होता है शारीरिक परीक्षा का, उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड होने लग चुका है। जहाँ दोस्तों आज 28 दिसंबर 2019 को यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की जो है रनिंग है, उसके बाद 29 दिसंबर से यहाँ पर जो है कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और 29 दिसंबर से यहाँ से मेल कैंडिडेट के जो है फिजिकल चालू हो चुके हैं। तो आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों मेन वेबसाइट है बोर्ड की upv.government.in की, यहाँ पे जो साइट है इस पर आप सबसे ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर जो है सूचना विज्ञप्ति 27/12/2019 में आई है। नीचे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु यहाँ पर क्लिक करें। आपको इस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे नीचे लिस्ट भी दी हुई है। यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ए फीमेल और लिस्ट ए मेल कैंडिडेट की। तो अगर आप मेल कैंडिडेट पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने डाउनलोड कर चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस विज्ञप्ति में ये मेल कैंडिडेट की जो ऊपर लिस्ट है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये आ चुकी है। यहाँ पे 13 कैंडिडेट जो है फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पे इनकी जो है यहाँ पे 28/12/2019 में यहाँ पे होना है और 1 बजे का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। अब नीचे आप देख सकते हो इसी में ही मेल कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, जिनका आप यहाँ पे डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हो कि सभी कैंडिडेट का यहाँ पे 29 दिसंबर से आपका चालू है और आगे शिफ्ट दी हुई है। टाइम दिया हुआ है कि जो है 8 AM और उसके बाद जो है यहाँ पे किसी का 1 AM किसी का 2 AM, इस तरह से यहाँ पे जो है टाइमिंग दिया हुआ। आप इस डाउनलोड कर सकते हो और उस पर देख सकते हो। आगे सबसे लास्ट में यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है कि आपका किस टाइम आपका जो है यहाँ पे पैट शुरू होने वाला है, किस समय आपको जो है रिपोर्ट करनी है, जो भी आपकी बटालियन पड़ी हुई है उसमें किस समय आपको रिपोर्ट करनी है, वो आगे टाइम दिया हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। उसके बाद जो ऊपर लिंक दिया हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड का, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं। जहाँ दोस्तों जिन कैंडिडेट का नाम इन लिस्ट में है वो कैंडिडेट के एडमिट कार्ड निकल रहे हैं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट का नाम जो है लिस्ट में नहीं है और उनके एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं। आपको बता देता हूँ कि अभी जो है मेल कैंडिडेट की 30,000 समथिंग ही यहाँ पे लिस्ट जारी हुई है, बाकी कैंडिडेट की सूची अभी आनी बाकी है। जैसी सूची आ जाती है तो आपका जो है एडमिट कार्ड लिंक पर एक्टिवेट हो जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी बहुत से कैंडिडेट का जो है जब डाउनलोड करते हैं तो बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, रोल रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इनवैलिड, यानी कि आप सही तरीके से डाले इस प्रकार से बता रहा है, लेकिन अभी तक आपका डाटा जो है बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, इस वजह से आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। जिन कैंडिडेट की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, जैसे ही दूसरी लिस्ट आती है तो हम आपको तुरंत बता देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो मिलते हैं कोई शुरू के साथ, तब तक ले जाएं।